तो दोस्तों आपको तो पता हो कि फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग बिलियन डे सेल चल रहा है और अमेजन के ऊपर ग्रेट इंडिया सेल चल रहा है। तो इन दोनों में टीवी के ऊपर क्या कुछ आपको ऑफर देखने को मिलते हैं और क्या कुछ खास टीवी है जो कि आप बाय कर सकते हैं, अगर आप बाय करना चाहते हैं इस सीजन में, इस ऑफर के अंदर बाय करना चाहते हैं, तो कौन कौन से टीवी है जो अच्छे क्वालिटी का टीवी है उसमें ऑफर चल रहा है वो आप देख सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और आखिर में ये भी बताऊंगी मैं कौन सा वाला टीवी बाय किया हूँ। जी हाँ, ऑलरेडी मैं इस ऑफर में एक एलईडी टीवी बाय किया हूँ, तो कौन सा वाला बाय किया हूँ उसके बारे में बता दूंगा, क्यों बाय किया हूँ वो भी बता दूंगा, तो इससे आपका थोड़ा भी हेल्प हो जाएगा। और मैं जानता हूँ कि लेट हो गया है, ऑलरेडी 3 अक्टूबर से ये चल रहा है, तो 3 ही दिन हुआ है, मैं भी कल ही बाय किया हूँ और 4 दिन बचा हुआ है। और जैसे मोबाइल के ऊपर इस तरह के मोबाइल जो मिल रहे हैं, इसका ऊपर भी एक वीडियो बनाया था जो मैं कैसे बाय किया, क्या एक्सपीरियंस रहा कल के वीडियो में, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इनका प्राइस जैसे अप डाउन हो रहा है, डाउन तो नहीं हो रहा है, अप ही हो रहा है, धीरे धीरे 1000 रुपये बढ़ जा रहे हैं, वैसा टीवी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो प्राइस ऑफर में आ रहा है उसी प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको जानना है कि कौन कौन से अच्छे टीवी है, इन सब के बारे में जानना है, तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि एलईडी टीवी के बारे में बात करेंगे और शुरू से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 24-22 इंच से शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको स्मार्ट टीवी तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एलईडी टीवी देखने को मिल जाएगा, तो उससे शुरू करेंगे। और उससे ऊपर जितने भी है, 32 इंचेस, 40 इंचेस, 43 इंचेस, 50, 55 इंचेस, जितने भी बताऊंगा सब यहाँ पे आपको स्मार्ट टीवी मिलेंगे। एचडी नहीं होगा, फुल एचडी नहीं होगा, लेकिन एचडी होगा, लेकिन आपको स्मार्ट टीवी सब देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो पहला टीवी आ रहा है यहाँ पे, कोडेक का आ रहा है 24 इंचेस वाला, और इस प्राइस सेगमेंट के अंदर यानी कि 24 इंच वाला बहुत सारे सस्ते भी मिल रहे हैं, बहुत सारे कंपनी मिल रहे हैं, लेकिन मुझे जो कंपनी अच्छा लगा और जिसका रिव्यू भी अच्छा है जिस कंपनी का, और जो कंपनी मैं जानता हूँ कि हाँ इनका रिकॉर्ड अच्छा रहता है, इनका जो कंपनी का जो प्रोडक्ट रहता है वो अच्छा रहता है, उनको ही सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ। तो और नहीं तो और भी बहुत सारी कंपनी जो कि 2-3-4 हज़ार में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो अच्छे कंपनी है उसका नाम यहाँ पे बताऊंगा मैं। तो पहला जो बता रहा हूँ 24 इंच के लिए, अगर आप चाहते हैं 24 इंच वाला टीवी, तो वो कोडेक का यहाँ पे मिल रहा है। और साथ साथ ये भी बता दूं कि मार्क्यो की तरफ से और ब्लंकेट जो भी आपको नाम दिख रहा होगा, तो इसके तरफ से भी अच्छे टीवी आते हैं। अगर वो आपको ऑफर भी यहाँ पे दिख जा रहे हैं 5-6 हज़ार, 7 हज़ार में, अगर आप लेना चाहते हैं उस बजट में, उस साइज का आपको यानी कि 22-24 इंच वाला टीवी आपको चाहिए, तो आप उसको भी प्रीफर कर सकते हैं। अभी के लिए मार्क्यो का सोल्ड आउट दिखा रहा था, मार्क्यो भी एक अच्छा है, फ्लिपकार्ट का ही ब्रांड है, तो उसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। तो वो दो नहीं मिला, ब्लंकेट का भी दिखा रहा था लेकिन वो भी कमिंग सून साइज दिखा रहा था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक रखा हूँ जो कि है कोडेक की तरफ से, 8.5 हज़ार में आपको देखने को मिल जाएगा 24 इंचेस, और HD LED TV है, यानी कि ये 720p वाला है, फुल HD वाला आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद जाते हैं Realme का मिलता है 11 हज़ार में आपको, ये है, ये भी एक HD वाला है, यानी कि 720p वाला है, लेकिन यहाँ पे ये स्मार्ट टीवी है, यानी कि आपको यहाँ पे नेटफ्लिक्स, अमेजन वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। और ये 32 इंच वाला है, तो 32 इंच आप ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ टीवी एक साथ बता दूंगा, जैसे कि ये पहला वाला है Realme का 11 हज़ार में आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्मार्ट टीवी जो आता है 32 इंच वाला, वो कोडेक की तरफ से है, ये आपको मिल जाता है 11.5 हज़ार में, और इसमें भी आपको वही सेम रेडलाइन वाला टीवी, रेडलाइन ये सब वगैरह मिल जाता है, और ये भी 720 है, और ये भी एंड्रॉइड बेस है, यानी कि स्मार्ट टीवी है, जैसे बताया कि बाकी सब स्मार्ट टीवी बता रहा हूँ यहाँ पे, तो ये भी स्मार्ट टीवी है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इन्फिनिक्स की तरफ से, और ये भी बहुत ही अच्छा एक टीवी है, 32 इंच वाला HD रेडी है, यानी कि ये भी फुल HD नहीं है, ये आपको 12 हज़ार में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद iFalcon यानी कि TCL, iFalcon by TCL ये ऑलरेडी मेंशन भी है, तो TCL जो ब्रांड है, वेल नोन ब्रांड है, उसके तरफ से आता है iFalcon, तो इसीलिए मैं जितना भी यहाँ पे टीवी बता रहा हूँ iFalcon को भी यहाँ पे लिस्ट में शामिल किया हूँ, और भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं लेकिन यहाँ पे इसको भी शामिल करा, तो इसका भी 32 इंच का एक स्मार्ट टीवी आता है विद गूगल असिस्टेंट आता है 12,500 में, ये आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो नाम लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, जर्मन कंपनी है ये, ब्लंकेट बोल सकते हैं आप, जो भी बोल सकते हैं उसके हिसाब से है ये, तो ब्लंकेट या ब्लंकेट जो भी हो, उसका 13 हज़ार में आपको देखने को मिल जाता है। ये जर्मन कंपनी, इनका जो स्पीकर रहता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रहता है, और ये उसके लिए ज़्यादा फेमस है, तो उनका टीवी आता है, ये भी HD रेडी वाला है, 13 हज़ार में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट टीवी की बात करते हैं, सबका पसंदीदा चेहरा बोल सकते हैं, वो है MI, तो MI का 4A, और ये होराइजन एडिशन है, यानी कि लेटेस्ट वाला जो होराइजन एडिशन लॉन्च हुआ था उसका है,
तो ये 15,500 में आपको देखने को मिल जाता है, और ये भी HD रेडी है यानी कि 720p वाला है, और इसका प्राइस 15,500 रखा गया है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, MI का है और इसमें आपको स्मार्ट टीवी तो है, इसमें आपको MI का जो पैच वाल है वो आपको देखने को मिल जाता है। साउंड क्वालिटी 20 वाट का यहाँ पे आप स्पीकर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको बिल्डिंग गूगल असिस्टेंट और क्रोमकास्ट देखने को मिल जाता है। उसका नेक्स्ट बात करते हैं, वो भी 32 इंच का है, लेकिन यहाँ पे रियलमी की तरफ से है, और लेकिन यहाँ पे आपको जो ये मिलता है ये फुल HD है यानी कि 1080p वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, और पैच की बात करें 18,000 में देखने को मिल जाता है। उसमें से बात करते हैं नेक्स्ट जो की है इन्फिनिक्स की तरफ से, और यहाँ से शुरू होता है 40 इंच सीरीज। तो इन्फिनिक्स का X100CM वाला यानी कि 40 इंच वाला फुल HD LED स्मार्ट टीवी एंड्रॉइड वाला है ये, यानी कि यहाँ पे आपको 40 इंच मिल जाता है विथ 1080p डिस्प्ले है, तो अच्छी फुल HD वाला यहाँ पे देखने को मिलता है, 19,000 में मिलता है। और जितने भी अभी तक बताया हूँ, जितने भी टीवी बताया हूँ, सब में आपको 1,000 से लेकर 1,500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये लिस्टिंग प्राइस है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कार्ड ऑफर डालेंगे तो सब में लगभग 500 से लेके 1,500 के अंदर आपको आराम से डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो 19,000 बोल रहा हूँ वो आपको समय अराउंड 16,500-17,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। उसका नेक्स्ट 40 इंच का स्मार्ट टीवी जो कि है वो की कोडक की तरफ से है, वो 19,000 में आपको देखने को मिल जाता है, और ये भी फुल HD यानी कि 1080p वाला है। और यहाँ पे और एक चीज मेंशन कर देता हूँ कि ये जो कोडेक है या फिर इससे पहले इन्फिनिक्स भी बताया था, इन सब का मैं 40 इंच यहाँ पे बता रहा हूँ। अब अगर 1000 या 2000 रुपीस और एड करेंगे तो इनका ही 42 इंच 43 इंच वाला टीवी आता है, वो आप देख सकेंगे, नीचे भी बता देता है, तो वो आप बाय कर सकते हैं। मैं अभी के लिए आपको 40 इंच वाला बता रहा हूँ, अगर आपको चाहिए 43 इंच तो उन कंपनी का यानी कि इन्फिनिक्स का अभी जो 100 सीरीज बताया इसके बाद ये कोडेक का बता रहा हूँ, इन सब का आपको 43 इंच भी मिल जाता है, 721 के, क्योंकि ये 19 में मिल रहा है तो 21-20 में वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो आईफाल्कन की तरफ से आता है, ये भी 20,000 में आपको 40 इंच वाला, ये भी फुल HD LED स्मार्ट टीवी है, गूगल असिस्टेंट के साथ आता है, डॉल्बी ऑडियो का सिस्टम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और यानी कि यहाँ पे भी आपको 1080p वाला ग्रेडिएबल वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो फोन में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं OnePlus, तो OnePlus का 22500 में बोल सकते हैं 40 इंच का एक मिल जाता है, ये भी फुल HD स्मार्ट है, तो यहाँ पे आपको 1080p वाला स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी देखने को मिल जाता है। उसके बाद कोडेक की तरफ से आता है 24,000 में, और इसको क्यों रखा हूँ, इससे पहले भी 20,000 में आपको एक 40 इंच वाला दिखाया था, तो ये है 43 इंच प्लस ये अल्ट्रा HD 4K वाला टीवी है। तो अगर आपको 4K वाला टीवी आप ढूंढ रहे थे इस बजट के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं 43 इंच वाला 24,000 में आपको ये देखने को मिल जाता है। उसके बाद आईफाल्कन की तरफ से भी 43 इंच वाला अल्ट्रा HD यानी कि 4K वाला मिल जाता है 25,000 में, और इसका तो और भी वेरिएंट है 50-55 भी देखने को मिल जाता है, वो भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। आगे मैं और एक भी LED बता दूंगा जिस जो कि इसी का ही है, और 50 इंच और 55 इंच का भी प्राइस आपको दिखा दूंगा। तो ये 25,000 में आपको देखने को मिल जाता है, फुल HD स्मार्ट है और साथ साथ 4K वाला भी है। उसके बाद आ गया फिर से वही ब्लॉम पुकेट, उसका भी आता है 43 इंच वाला 4K LED TV, कीमत थोड़ा ज़्यादा है, जैसे कि पता ये थोड़ा बहुत ही महंगी कि जर्मन कंपनी है, थोड़ा प्राइस महंगा रखते हैं एज कम्पेयर टू बाकी जो कंपनी है। तो 29,000 में ये आपको देखने को मिल जाएगा 43 इंच वाला 4K वाला। उसके बाद आईफाल्कन का आ जाता है 50 इंच का, अगर आपको टीवी चाहिए तो ये मिल जाता है 30,000 में, और ये भी 4K वाला है, तो 4K विथ हैवी बड़ा इंच वाला आपको चाहिए तो 30,000 में ये स्मार्ट टीवी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 31,000 में आपको 50 इंच अल्ट्रा 4K कोडेक की तरफ से भी मिल जाता है, और ये 50 इंच वाला है। उसके बाद आईफाल्कन का ही आ जाता है 55 इंच, उससे भी बड़ा चाहिए तो 4K LED आप इसको भी देख सकते हैं, 33,000 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी बताए हैं मैं नॉर्मल, अगर आप बिना ब्रांड बोल सकते हैं जो हायर ब्रांड रहते हैं सैमसंग LG वगैरह सोनी वगैरह उनको छोड़ के बाकी आजकल जो मार्केट में ज़्यादा चल रहे हैं उनके बारे में बताया हूँ, तो उन्हीं का नाम है, ये अच्छे रेपुटेशन रखते हैं, इनका प्रोडक्ट भी अच्छा रहता है, लेकिन ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड आप इनको बोल नहीं सकते, लेकिन अच्छा आपको टीवी जो अगर आप खरीदेंगे तो आराम से 5-6 साल भी आराम से जा सकता है। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे ये सब कंपनी का नाम ले रहा हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ दिखा देता आपको सैमसंग और LG सोनी वगैरह, लेकिन ये जो कंपनी आजकल बहुत ही अच्छे बिक रहे हैं और प्रोडक्ट भी इनका अच्छा निकल रहा है, तो ये सब की तरफ से ये मिल जाता है। ये जैसे कि बताया 55 इंच अगर आपको 4K वाला चाहिए तो 33,000 में मिल जाता है। अब एक कंपनी जिसका ऑफर में मेरे को अमेजन पे मिला, जितना देख रहा हूँ अब तक अमेजन का कुछ भी मुझे पसंद नहीं आता, लेकिन एक मिल गया यहाँ पे सैमसंग का, तो सैमसंग का 43 इंच वाला 4K वाला एक स्मार्ट LED TV मिल रहा है
37,000 में, लेकिन यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कूपन लिख रहा है, तो इसको अप्लाई करेंगे तो 1,000 रुपीज कट हो जाएगा, यानी कि 36,000 में आपको ये टीवी मिल रहा है। तो अगर आप सैमसंग का टीवी ढूंढ रहे थे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी सबका तो आप फ्लिपकार्ट में देख लेना मिल जाएगा, लेकिन इसका लिंक मैं आपको सैमसंग का नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। और आखिर में बात करते हैं 50 इंच का MI की तरफ से। MI जो आजकल LED टीवी के दुनिया में नंबर वन है ऑनलाइन मार्केट में, तो उसका यहाँ पे है MI का 5X 40,000 में आपको देखने को मिल जाता है 50 इंच वाला 4K LED टीवी। तो ये था दोस्तों बहुत सारे टीवी का लिस्ट जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ऑफर में चल रहे हैं, और ये कुछ गिने चुने अच्छे वाला कंपनी है जिसके की जिसके ऊपर की आप भरोसा कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कंपनी जैसे कि हाइसेंस हो गया, कोका वोका, ये सब आते इर्ची मिर्ची करके बहुत सारे कंपनी है, तो उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं जाता है। इनका रेटिंग भी अच्छा है और इनका टीवी ज़्यादातर लोग बहुत सारे खरीदते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। आप चाहे तो दूसरे कंपनी के ऊपर भी जा सकते हैं, नहीं तो ये जितना लिस्ट पता है इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब मैं बता दूंगा मैं कौन सा वाला टीवी खरीदा, कितना पड़ा, ये सब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे खरीदा, आप देख सकते हैं कौन सा वाला है, वो है इन्फिनिक्स का 40 इंच वाला इन्फिनिक्स X1, ये मैं खरीदा। और ये क्यों खरीदा हूँ, थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि कौन सा टीवी लेना चाहिए और 20,000 के अंदर 40 इंच वाला कौन सा मिल रहा है वो देखा, तो ये मुझे अच्छा लगा। एक तो डिजाइन वाइज बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे जो डिस्प्ले क्वालिटी है इसके लिए मैं लिया, इसका जो फुल HD तो है, उसके बाद यहाँ पे आपको HDR10 देखने को मिल जाता है जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे दिया गया फीचर्स, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा HDR10 का मिल रहा है, फुल HD 100 का यहाँ पे वो इस मिल रहा है। स्मार्ट टीवी है तो इसीलिए मैं इसको बाय कर लिया, और ये 19,000 दिखा रहा है, मेरे टाइम में भी 19,000 दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा लगभग 1,500-2,000 का यहाँ पे आप डिस्काउंट मिलेगा। और ICSE का लेते हैं तो आपको 200-300 का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप एक्सिस कार्ड यूज करते हैं तो आपको लगभग 16,500 में ये देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं ये बाय कर लिया, मुझे अच्छा लगा। इसका साउंड क्वालिटी जैसे कि मैं बहुत सारे रिव्यू देखा तो साउंड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कि सुनाई नहीं देगा, अच्छे से सुनाई देगा लेकिन उतना अच्छा नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं ये वाला टीवी खरीद रहे हैं और आपको साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं लगा तो थोड़े दिन के बाद एक स्पीकर मंगा लेना, बार वाला आजकल तो मिल रहा है 2-3 हज़ार में, बहुत सारे मिल रहा है। इवन ये इन्फिनिक्स का स्नूकर ब्रांड के तरफ से आता है, इन्फिनिक्स का जो स्नूकर ऑडियो ब्रांड है उसका भी एक बार वाला आता है 4-5 हज़ार में, वो खरीद लेना और नीचे चिपका देना, बहुत ही अच्छा साउंड आएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये था कुछ लिस्ट जैसे कि बताया कि अगर आपको पसंद आए तो खरीद लेना, और सैमसंग वाला डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्योंकि वो ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया, जितने हैं वो आराम से आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाएंगे। अमेजन के ऊपर भी बहुत सारे टीवी मिले थे, यही सेम टीवी मिले थे लेकिन थोड़ा प्राइस हाई था, इसीलिए मैं फ्लिपकार्ट के ऊपर जितने टीवी था बता दिया। और अमेजन का सिर्फ जो मुझे अच्छा लगा, एक अच्छा ऑफर मिल रहा था ये सैमसंग का, तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। और साथ साथ बता दूँ सैमसंग का जो फ्रेम टीवी आता है उसमें भी ऑफर चल रहा है फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों में, फ्लिपकार्ट में आप देख पाएंगे, आप चाहे तो उसको भी कंसल्ट में कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आने वाले टाइम में आपको आज या कल में आपको वेरेबल डिवाइस और स्पीकर वगैरह जो आते हैं, हेडफोन वगैरह जैसे कि ये वाला बोल सकते हैं TWS, तो ये दिख रहा है, तो इसका भी आपको वीडियो बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो कर देना, और इस वीडियो के द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया तो जरूर से लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम सुमन, आप देख रहे हैं टेक बाय यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।